भोर भयो चिड़िया बोले वन में, भोर भयो चिड़िया बोले वन में, भोर भयो चिड़िया बोले वन में, भानो दित भयो पूरब गगन में, भोर भयो चिड़िया बोले वन में, शुद्ध भाव धरो ये शुभ छन शोध भाव धरो ये शुभ छन में, नाम हरि का जप ले मन में, भोर भयो चिड़िया बोले वन में, भोर भयो भोर भयो भोर भयो चिड़िया बोले वन में। ये जो है हमारा पालटा अलंकार का लेसन टू है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि अपना स्केल कैसे पहचाने, अपना वॉइस जो है मेरा किस स्केल पे है, पहले ये जानना ज़रूरी है संगीत सीखने के पहले। लेसन वन में हम लोग सीखे थे कि सारे गामा हम लोग कहाँ कहाँ से बजा सकते हैं, कितने स्केल्स होते हैं, जो बेसिक नॉलेज था सारे गामा बजाने का वो लेसन वन में मैंने दिया। जो नोट्स थे, क्या क्या नाम है हारमोनियम में जो होते हैं, या कीबोर्ड एक ही है, नाम सबका पोजीशन सबका सेम है, जो सी है वो सी होता है, हर जगह सेम ही होता है। तो जो पीछे वाला जो हम लोग अभी लेसन वन किए उसमें वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बताया कि कितने स्वर होते हैं, हाँ कोमल और शुद्ध तीव्र जो स्वर हैं उस पर हम लोग बाद में थोड़ा फोकस करेंगे, लेकिन सारे गामा कहाँ कहाँ से हम लोग बजा सकते हैं सभी क्लियर हो चुका है लेसन वन में। तो ये जो टू है इसमें हम लोग फोकस करेंगे कि मेरा सा कौन सा होगा, मेरा स्केल कौन सा होगा। ये लेसन टू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो सीखना शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा, और अगर फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसे कभी कभी होता है कि शुरू में जो स्केल जानने का जो तरीका है, आवाज़ उतना ऊंचा नहीं जा रहा है, पर एक या दो सप्ताह के रियाज के बाद आवाज़ सही जगह पे बैठने लगता है तो अपना स्केल सही से पहचाना जा सकता है। किसी किसी का होता है कि शुरू में ही पहचानना आसान होता है। तो स्केल पहचानने के लिए जो बेसिक रूल है वो ये है कि जो लड़के हैं वो शुरुआत करें सी शार्प से पहचानने के लिए, ये एक सप्ताह के अंदर ये पहचान हो जाती है। जो लड़के हैं वो सी शार्प को सा माने और चेक करें कि कहाँ मेरा आवाज़ जा रहा है, तब जाके बड़ी आसानी होती है। फिर लड़कियों के लिए भी मैं बताऊँगा। तो अपना सा पहचानने के लिए, अपना स्केल पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले खुद गाना है। अगर मैं सी शार्प पे चेक करूं, सी शार्प मतलब पहली काली, ये हमारा सा अगर है तो सा ये सही है कि नहीं हमारे लिए वो कैसे चेक करेंगे, लड़कों के लिए बता रहा हूं। सा गाएंगे पहले, सा हारमोनियम की आवाज़ को सुनेंगे, अपनी आवाज़ को मिलाएंगे, अच्छे से गाएंगे सा। आपको ये लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी मोटी जैसे निकल रही है। स्केल पहचानने के लिए हमको चेक करना है कि सा नी धा, ये जो ऑक्टिव है, ऑक्टिव रूल भी होता है जो सप्तक होता है ना, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि सप्तक क्या होता है। जो सी है पहला जो सी है वहाँ से जो दूसरे सी तक, ये पहला सप्तक है, ये दूसरा सप्तक है मिडिल ऑक्टिव, ये लोअर ऑक्टिव है पहला, दूसरा जो है ये मिडिल ऑक्टिव है, तीसरा जो है ये हायर ऑक्टिव है। तो हमको मिडिल ऑक्टिव पे ध्यान देना है पहले, सा मिडिल ऑक्टिव से नीचे आना है, सा नी धा। सी शार्प से अगर हम ट्राई करेंगे सा,
सानी धापा, यहाँ तक आवाज़ आना चाहिए। तो मेरा तो हो रहा है कि सी शार्प से पा तक आवाज़ आ रहा है। अब हमको क्या करना है, अब ऊपर चेक करना है। ये सा हमारा है, सा गाते जाएंगे, रे गा मा पा धा ने सा, मतलब ऊपर वाले सा पे जब पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे गाना है, थोड़ा मैं अभी तेज गाया, थोड़ा और धीरे। तो ऊपर वाले सा पे पहुंचने के बाद सा रे मतलब तार सप्तक पे सारे गा मा मा तक आवाज जाना चाहिए, तो ये मेरा स्केल बनेगा। तो सी शार्प में मेरा सानी धापा नीचे तक आ रहा है आवाज, सानी धापा, और ऊपर अगर हम चेक करें सा सारे गा मा, आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पर एक बात गौर करने की है कि जो मैं नीचे गा रहा हूं सा ने धा पा, वो ऐसा लग रहा है बहुत मोटा हो गया। तो जरा मैं आगे से ट्राई करूं, डी शार्प पे जाता है कि नहीं, जरा चेक करते हैं। यही रूल है स्केल पहचानने का, बहुत गौर से सुनिएगा कि अपना स्केल पे मैं अपनी आवाज़ सानी धापा, लोअर ऑक्टेव पे सानी धापा तक आना चाहिए, और अपर ऑक्टेव पे, हायर ऑक्टेव पे सारे गामा तक जाना चाहिए। शुरू शुरू में कभी कभी होता है कि नीचे सानी धा तक ही आवाज़ आती है, पा नहीं आता है, और ऊपर सारे गा तक आवाज़ जाता है, मा लगाने में कष्ट होता है। तो कुछ दिन के रियाज के बाद वो हो जाता है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। एटलीस्ट सानी धा तक नीचे और ऊपर सारे गा तक आवाज़ जाना चाहिए। अब हम डी शार्प पे जरा ट्राई करते हैं, सा, आवाज थोड़ी ठीक लग रही है, ने धा पा, आवाज आ रहा है। अब हम ऊपर बढ़ेंगे, सा रे गा मा पा धा नि सा, ऐसे करके हम पहुंच गए। तो अब सा, ये सा है, रे सा सा रे गा मा, गा तक बहुत साफ है, मा में ऐसा लग रहा है थोड़ा कष्ट हो रहा है। सा रे गा मा गा रे सा, ये चीजें होंगी, गला में खांसी आएगा, कुछ आएगा, थोड़ा कष्ट करके चेक करना है। अगर माँ तक आवाज जा रही है तो बहुत अच्छा है, अगर गा तक जा रहा है, माँ थोड़ा कष्ट हो रहा है, तो चिंता नहीं करना है, वो चला जाएगा। तो अगर डी शार्प से हम ट्राई करें और सा ने धा पा अगर आवाज आ रहा है, एटलीस्ट धा तक आना चाहिए, और ऊपर सा सा रे गा मा मा तक जाना चाहिए, मा में थोड़ा कष्ट हो रहा है, गा तक तो जा रहा है, तो रियाज के बाद वो हो जाएगा। तो ये हमारा स्केल होगा, ठीक है। अब ऐसे ही ट्राई करना है अपना स्केल पहचानने के लिए कि लोअर ऑक्टेव पे सानी धापा तक आवाज़ आनी चाहिए, एटलीस्ट धा तक, और हायर ऑक्टेव पे सारे गा मा तक आवाज़ आनी चाहिए, एटलीस्ट गा तक। मा मैक्सिमम है, मैक्सिमम मा तक जाना चाहिए, ज़बरदस्ती मुझे ऊपर नहीं जाना, ज़बरदस्ती मुझे गा तक जाना है, मा तक ट्राई करना है। अगर हो रहा है तो वही मेरा स्केल होगा। कोई कोई स्केल ऐसा है, किन्हीं किन्हीं आदमी का, कि सी शार्प पे भी माँ तक जा रहा है, डी शार्प पे भी माँ तक जा रहा है, तो उनके केस में डी शार्प ही करना चाहिए। जो मेरा मैक्सिमम होगा उस स्केल को हम लोग पकड़ते हैं, ताकि लोअर ऑक्टेव गाने में भी सुविधा हो जाए।
अब लड़कियों के लिए भी यही है, लड़कियों के लिए जो स्केल होता है वो होता है बी फ्लैट। बी फ्लैट पे चेक करेंगे। अब बी फ्लैट मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत भारी हो जाएगा, तो बी फ्लैट पे पहले सा गाना है, फिर नी गाना है, फिर धा। लड़कियों के लिए है कि नीचे धा तक कम से कम जाना चाहिए आवाज़, और बी फ्लैट पे ऊपर सा तक पहुंचने के बाद सा रे गा, गा तक कम से कम आवाज़ जाना चाहिए। माँ रियाज करने के बाद आ जाएगा। तो अगर बी फ्लैट पे ऐसा हो रहा है तो बी फ्लैट आपका स्केल होगा। अगर इस स्केल पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ निकल रही है या बहुत कष्ट हो रहा है, थोड़ा ऊपर सा रे गा अगर गाने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो आप जी शार्प से ट्राई कर सकती हैं। जी शार्प पे अगर सा नी धा नीचे अगर आ रहा है साफ से, और ऊपर सा रे गा अगर आ रहा है सही से, तो वो आपका स्केल होगा। तो स्केल पहचानना थोड़ा मुश्किल है, पर ये बहुत ज़रूरी है। अगर स्केल समझ में आ गया कि मेरा कौन सा होना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग फिर सारेगामा का रियाज हम लोग कर सकते हैं। वो रियाज अब कैसे करेंगे हम नेक्स्ट लेसन में बताएंगे। होल्डिंग नोट्स का रियाज होगा कि सारेगामा को कैसे हमको सही से करना है। तो लेसन नंबर जो नेक्स्ट होने वाला है लेसन 3, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से हमारा रियाज शुरू होता है। लेकिन लेसन 1 और 2 उनके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हारमोनियम बजाने नहीं आता है या बेसिक नॉलेज चाहिए कि हमारा स्केल कौन सा होगा, सारेगामा कैसे बजेंगे, उनके लिए लेसन नंबर 1 और 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर कोई पर्सनल बातें आपको कहनी हो तो हमारा फेसबुक पेज इंडियन म्यूज़िक आर्ट पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।